नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। शक्ति जिला में शिक्षक पढ़ाई कराने के बजाय स्कूली बच्चों से मजदूरी कराते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला जेजीपुर विकास खंड के कंचदा गांव के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंचदा का बताया जा रहा है। खास बात यह है कि इस वीडियो को स्कूल के शिक्षक के द्वारा बनाकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में बकायदा डाला गया है। आपको बता दें कि इस वीडियो में शिक्षक खुद पास में खड़े होकर बच्चों से स्कूल में गड्ढे खुदवाकर वे मैदान की सफाई कराते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात आपको ये भी बता दें कि अभी बरसात का समय चल रहा है और जहरीले सांप के काटने से आए दिन कई लोगों की मौत हो चुकी है। और अब खबर जगदलपुर से, जहां शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज पुलिस लाइन जगदलपुर लाया गया, जहां शहीद जवानों भारत लाल साहू एवं सतेश सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान बस्तर आईजी सुंदर राज पी, कमिश्नर श्याम धावड़े, कलेक्टर एसपी सहित पुलिस के उच्च अधिकारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अंतिम सलामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सरगुजा जिले के बतौली विकास खंड के ग्राम सिलमा में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन सहित टंकी लगाया गया, लेकिन पाइप के माध्यम से पानी अब तक नहीं पहुंच सका है। वहीं बीते दिनों आंधी तूफान में सोलर से चलने वाली टंकी भी हवा में उड़ गई, जिसे देखने के लिए आज तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। इधर ग्रामीण भी शुद्ध पेयजल का इंतजार पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जब घरों में नल लगा तो ग्रामीणों की आस शुद्ध पेयजल की जगी, मगर ज्यादातर क्षेत्र में नल का स्ट्रक्चर खड़ा कर नल कनेक्शन और पाइपलाइन बिछना ही ठेकेदार भूल गए हैं। महेंद्र सिंह, महेंद्र जी बताइएगा, आपके गांव में नल जल योजना के तहत क्या पानी पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। कैसे? अब उसके जल योजना ही बता सकते हैं कि कहीं नहीं पहुंचा। तो आपके घर के पीछे तो टंकी इतना बड़ा? हाँ, तो टंकी तो है। हाँ, कितने साल से बना हुआ है? अब वो कब बना उसको तो नहीं, लेकिन 4-5 साल हो गया। हाँ, लेकिन पानी नहीं मिला। अच्छा, कैसे करते हैं? और यहाँ जी वो क्या कहते हैं, नल भी नहीं बना है। तो आप लोग कैसे कर रहे हैं पानी, फिर कैसे करते हैं? हैंड पंप से। परेशानी कितना जा रहा है आप लोगों को? परेशानी तो जा रहा है। तो शिकायत नहीं की कभी? शिकायत किया सरपंच मन लोग से। और टंकी से पानी नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। कैसे करेंगे आप लोग? अब कैसे करेंगे? अब चैन से। चैन सा बताए कौन सा गांव है और का ये सिलमा हवे और वार्ड क्रमांक 2 में आवेल। पानी की कैसे समस्या है? पानी अब छूटा हुई मढ़ाए राखीन, एक बात मतलब मोटर शोटर कहीं नहीं बिठा रहते हैं। कितना दिन हो गई? तो इला झूर महीना कर हवे, वो माघ फागुन कही दा। तो कितना परेशानी जाता, पानी नहीं है तो अब वही बोरिंग ला खोल के लगा अब कहीं मोटर बैठारब कहीं, अब मोटर ही नहीं बैठा रही ने। तो टंकी मन कहाँ गई? ये टंकी मन वही तूफान आई तहाँ उड़ाएगी। तो एक बात कोई देखे पर आई? कोई देखे पर नहीं आई ने, बस हाँ तू ही मन बस आए। टंकी फाट गई तो कुछ दिन अब देता है कि नहीं देते हैं अब पता ही नहीं है। पानी की समस्या कैसे है तुम्हारे गांव में? नहीं तो कैसे दिया आता है पानी, हमारे संस्था होता है बुढ़िया लोग। तो तुम घर में तो नालो लगी से? लगी दे तो कहाँ नहीं आता है, संस्था हो तो। टंकी भी बनी से बड़खा रोड? हाँ, बड़खा रोड है। पानी नहीं आता है? नहीं आता है। तब कितना समस्या होता है बुढ़िया लोग से? गए संस्था समस्या है कि नहीं है? है। बोरिंग धीरे धीरे तो जान लाठी लधेड़ के दाऊ। कहाँ बोरिंग? बोरिंग तो जान। ग्राम सिलमा बतौली में अभी वहाँ के जो प्रभारी मतलब उप अभियंता हैं और एसडीओ को, दोनों को मैंने निर्देशित किया है कि कल मेरे को सवेरे तक उसकी जानकारी देंगे और थोड़ा बहुत पानी समस्या भी होगा उसको सुधरवा लेंगे। सर क्या लगता है, बरसात का समय है तो कब तक थोड़ा सा समस्या होती है, क्या लगता है आपको पानी की समस्या बरसात के दिनों में? बरसात दिन में समस्या नहीं होती, लेकिन क्या कई तरह के जीवाणु कीटाणु ये सब आते रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह फैलते रहता है, वही बस समस्या होता है ज़्यादा उसमें पानी में। जल्दी निर्देश दे दिया है
काम चालू है, मतलब पूरा हो जाएगा वो। जल जीवन मिशन में जितने काम थे हमारे पाइपलाइन बिछाने के, सबको टेंडर वगैरह हो गए हैं और लगभग सभी कार्य लगभग प्रगति में हैं। अब ये काम लगभग हमारा टारगेट रखे हैं कि दिसंबर 2024 तक पूरा कर लेंगे। कोई ठेकेदार वापस नहीं गया है, सभी हैं काम में। कहीं लेट लतीफी की वजह क्या लगता है, राशि का अभाव है? नहीं, राशि कोई अभाव नहीं है। यहाँ पे क्या है, जैसे कई जगह में काम नहीं चालू हुआ है, काम चालू हुआ है लेकिन क्या कई जगह में सोर्स की कमी है, उसके कारण में दिक्कत हो रहा है। जैसे अपन कई जगह नलकूप बन गए हैं लेकिन क्या जिस स्रोत को हम लोग स्रोत मान गए, उस टंकी मतलब योजना बनाए थे, वहाँ पे जब बाहर में टेस्ट किए तो उससे पानी की क्षमता थोड़ा सा कम हो गया, तो उसके कारण में भी दिक्कत है चालू। जांजगीर चांपा जिले के कोसिर गांव 3 दिनों से डायरिया फैला हुआ है, जिसमें 125 से अधिक लोग डायरिया संक्रमित हुए हैं, साथ ही 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। डायरिया के बढ़ते मरीजों और मौत की सूचना के बाद कलेक्टर ने डायरिया प्रभावित गांव का दौरा किया। दौरे में उन्हें पता चला कि गाँव का यादव मोहल्ला और पटेल मोहल्ले में 15 जुलाई से डायरिया की शुरुआत हुई है, जिसके चलते रात के समय कुछ महिला और पुरुष पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराने पहुंचे और सुबह होते होते संख्या बढ़कर 90 तक पहुंच गई। हालात को बिगड़ते देख स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर उपचार शुरू किया है। बताया जा रहा है कि गांव में जो नल जल योजना के तहत पानी आ रहा है, उसके गंदे पानी से लोग संक्रमित हुए हैं। अब साहब देखे दो आदमी खत्म होते, बूढ़ा बूढ़ा है कि इसी में खत्म हुआ है कि कहा है, उसे तो मैं मालूम नहीं, लेकिन एक लड़का यहाँ आया था वो खत्म हो गया था 12-13-14 साल का है। तीन आदमी पानी भीषण है, टेप नल वाला जो टंकी बने हुआ, टंकी बने 3 साल में सफाई नहीं हुआ। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है ग्राम कोसिर के अंदर। अभी हमने जो हमारा प्राथमिक स्कूल है वहीं पर हमने एक सेंटर बनाया है ट्रीटमेंट का। हमारे बीएमओ भी सुबह से मौजूद है। हमने गांव के सभी घरों का अपने मितानिन और आरएचओ के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे करवाया है और जो लोग हमको लगे कि उनको घर से ज़्यादा अच्छी सुविधा यहाँ हमारे सेंटर में या फिर सीएचसी मिल सकती है, हमने उनको लेकर आए। 3 अभी महिलाओं का हमारा इलाज यहीं पर हमारा जो प्राथमिक शाला में सेंटर चल रहा है वहाँ पे किया जा रहा है और इसके अलावा 15 हमारे जो लोग हैं वो सीएचसी पामगढ़ के अंदर उनका इलाज चल रहा है। तो अभी सिचुएशन कंट्रोल है, ऐसे कोई भी हमारा बहुत क्रिटिकल पेशेंट नहीं है। साथ ही साथ हमने जिला अस्पताल से जो हमारे मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमने सीएचसी पामगढ़ रेफर मतलब भेजा है, अभी वहाँ पर भी कर रहे हैं। लगातार हम लोग सतत मॉनिटरिंग बना रहे हैं। आज जो पानी की टंकी है उसकी भी सफाई कराई गई और बाकी जो एक जगह पाइप का ब्लॉक है, पाइप का टूटना बताया गया था, उसको भी सरपंच के द्वारा चेंज करा दिया गया है। तो अभी सिचुएशन है अंडर कंट्रोल। हाँ, एक व्यक्ति की मौत बताया गया है जिनका कारण से जो पर्टिकुलर डायरी का कारण जिनका सामने आ रहा है और बाकी उनका भी अभी जो मेडिकल एग्जामिन करेंगे, क्योंकि बता रहे हैं सिर्फ 2 ही बारी उनको वॉमिटिंग आया और 2 ही लूज मोशन आए थे, तो उसके कारण होना थोड़ा सा अभी डॉक्टर और मेडिकल ओपिनियन देकर। और इसमें से हमने सभी जगह सारे जो जनपद के माध्यम से जो भी पुराने नल जल योजना की बनी हुई टंकियाँ थी उनका सफाई करने का निर्देश दिया है। साथ में ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो मितानिनों को और बाकी जो आरएचओ मेल फीमेल उनको निर्देशित किया गया है कि तत्काल वो उनको अस्पताल रेफर करने के करेंगे और ज़्यादा देर तक घर में रहने। तो उस समय से हमारे यहाँ सीएचओ आरएचओ और डॉक्टर बीएमओ उन लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और घर घर सर्वे किए हैं, वो मरीजों का इलाज किए हैं और मरीजों का इलाज करके यहाँ पे कैंप लगाया गया है। और कैंप लगाने के बाद में कल जैसे केसेस हमारे पास में 36 केसेस थे तो उसमें से ट्रीटमेंट लेकर के चले गए थे, कुछ को सीएचसी में भर्ती किया गया था और इसके बाद में यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, पानी की भी टेस्टिंग करवाए हैं और स्टूल सैंपल के लिए भी बोल दिए हैं। और जहाँ तक कि ऐसी संभावना लग रही है कि पाइप में पानी फूटा हुआ था जिसको लोकल स्तर पे उन लोग ठीक किए थे, जोड़े थे, तो अभी पानी बारिश अगर हुई है तो वो कंटामिनेटेड हो गया है। और 2 एरिया से ही हमारे पास में एक यादव पारा है और पटेल पारा, वो 2 जगह से हमारे पास में पेशेंट। और आज सवेरे से काफ़ी सारे केस थे, 90 केस थे, तो उनका सबका इलाज करके चले गए हैं। कुछ को 14 केसेस पामगढ़ में भर्ती हैं और 3 केस हमारे
यहाँ जो कैंप कर रहे हैं स्कूल में वहाँ पे, और स्वास्थ्य विभाग के सभी RHO CHO सभी वहाँ पे काम कर रहे हैं, और दवाइयों की उपलब्धता हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और दवाइयाँ हम लोग उपलब्ध कर रहे हैं। देखो मौत इसमें दो तीन कह रहे हैं, तीन तो बिल्कुल नहीं है। एक 85 ईयर का आदमी था जिसको पैरालिसिस हो गया था, और एक आदमी था वो 80 ईयर्स का था, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो ये नहीं बोल सकते हैं किसी भी किस्म से कि वो उनको डायरिया का कोई लक्षण नहीं था। और दूसरी चीज़ है कि जो तीसरा बच्चा जो विजय कुमार था उसका, उसकी मृत्यु हुई तो वो रात में 3 बजे यहाँ आया था कैंप में, उसका इलाज किया और उन लोग इलाज से खुश होकर के मैंने संतुष्ट होकर ठीक हो गया करके गए। और यहाँ पे घर में कोई उसको प्रॉब्लम हुआ हो तो उसके बाद में वो उन लोग जब CSC लेके गए तो वहाँ पे उसको मृत घोषित। अभी यहाँ पे हम लोग काम जितना कर रहे हैं अभी केसेस नहीं आ रहे हैं, 4-5 घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं तो नए केस नहीं आ रहे हैं। मगर मितानिन हमारे सभी गांव के सभी घर में सर्वे कर रहे हैं उन लोग, और जो कोई लक्षण के भी अगर दिख रहे हैं उनका इससे मिली हूँ, उनके परिजनों से मिली हूँ। है पानी, दूषित पानी की वजह से गांव वाले बता रहे हैं। मैं गांव का भी भ्रमण करी हूँ, गांव में चूँकि अब हर घर में बाथरूम हो गया है, बाथरूम का पानी गाँव में गली में ही बह रहा है, और चूँकि उसकी गंदगी तो है। दूसरी चीज़ें पानी दूषित का बताए तो हमने रात में ही फ़ोन करके PHE विभाग को निर्देशित किया, और सुबह टंकी की सफाई भी हो गई है। लेकिन जो डायरिया पेशेंट ऑलरेडी हैं, जो मरीज है, उनका गांव में कैंप लगा दिया है स्वास्थ्य विभाग ने, उनको वहीं भर्ती किया गया है। जो बहुत ज़्यादा जिनको परेशानी है उनको पामगढ़ लाया गया है, और अभी अंडर कंट्रोल है, अच्छी स्थिति में है, जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि पूरा प्रशासन लगा हुआ है उसमें। और मौत की भी सुनने में आया है तो 3 मौत की पुष्टि कर रहे हैं, 3 मौत बता रहे हैं। लेकिन अभी एक बच्चा 17 साल का है, उसका पता चला है कि वो डायरिया। हमारे CSC पामगढ़ में 5 पेशेंट यहाँ एडमिट हुए थे, तो एक ही मोहल्ले से 5 पेशेंट आने पर हम स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा अलर्ट हो गए हम, और जाकर हमने पता किया तो पता चला कि वहाँ जो टेप नल से जो पानी पी रहे हैं उसके गंदे होने के नाम से, गंदा पानी होने के नाम से वो फैला है। और देखते ही देखते 16 तारीख को 36 पेशेंट आ गए और 17 तारीख को 90 पेशेंट आ गए। इसमें जो गंभीर वाले जो पेशेंट थे उनको हमने कैंप लगाकर यहाँ इलाज किया, वर्तमान में भी 3 पेशेंट वो हमारे कैंप में हैं, 20 पेशेंट हमारे CSC पामगढ़ में अभी एडमिट है, और 3 पेशेंट को हमने जिला अस्पताल से रेफर किया गया है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, मितानिनों के माध्यम से RHO के माध्यम से हम गली गली जाके सर्वे कर रहे हैं और उनको जो उपयुक्त दवा है वो वितरण कर रहे हैं, और जो गंभीर पेशेंट उनको कैंप में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और जिला अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट जारी कर रहे हैं। और दूसरे क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रकार का अभी सूचना को प्राप्त नहीं हुआ है, पर हम हाई अलर्ट में हैं। सभी ग्रामों में हमने जांच के लिए सभी RHO को और डॉक्टर्स को हमने अलर्ट कर दिया है, अगर किसी प्रकार भी कोई केस अगर भविष्य में आता है तो उसका उचित उपाय किया जाए। कलेक्टर साहब आज कैंप में देखने आए थे तो उनके द्वारा रोगियों का इलाज जो चल रहा था उसको देखकर उनको संतोष जाहिर किया, और उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए हैं साफ सफाई के लिए, आवश्यक दवाई के रख रखाव के लिए, और जो भी कमी अगर है दवाई में तो उसको पूरा करने के लिए। अभी तक हमारे यहाँ प्रॉपर तौर पर ये नहीं कह सकते कि हम डायरिया से किसकी मौत हुई करके, विजय यादव 17 साल का बच्चा था, वो डिहाइड्रेशन और उल्टी के केस में हमारे पास आया था, परंतु उसके वो ट्रीटमेंट दे दिया गया था, उसको प्रॉपर IV फ्लूड भी लगा था, दवा भी लगा था, और वो ठीक होने के बाद घर चला गया था। डॉक्टर कैंप में डॉक्टरों द्वारा उनको सलाह दी गई थी कि वो अपना जो उपचार है, जो सलाह है, वो आगे CSC में जाकर ले, परंतु वो घर चले गए, और घर में उनके स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद जब उनको CSC लाया गया तो वो उनको मृत घोषित किया गया था। दूसरे जो पेशेंट थे, एक दुकालू यादव करके थे, वो दुकालू यादव लंबे समय तक बीमार चल रहे थे और उनको सांस लेने में तकलीफ थी। नाबालिग छात्रा के गर्भवती होने वाले मामले को लेकर कांग्रेस की जांच टीम छोटे बेटिया पहुंची। बता दें कि छोटे बेटिया में नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ शारीरिक शोषण और गर्भपात के मामले में कांग्रेस पार्टी के जांच टीम बालिका छात्रा के छात्रावास पहुंची। वहीं कांग्रेस ने इस जांच टीम में महिला विधायकों को जांच का जिम्मा सौंपा है। इस जांच टीम ने डोंडी लोहारा विधायक अनिला भेड़िया,
भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी संजारी, बालोद विधायक संगीता सीना, सिहावा विधायक अंबिका मरका, श्यामवती नेताम, सुभद्रा सलाम शामिल रही। प्रारंभिक जांच में हम लोगों ने ये पाया कि वहाँ पे छात्रावास में छात्रावास अधीक्षिका मिली और शिक्षा विभाग के डीओ थे और बीओ थे। सभी से पूछताछ हम लोग किए, परंतु छात्रावास अधीक्षिका ने बिल्कुल नकार दिया। ये जो घटनाएं हैं वो हुई नहीं है और मेरे सामने मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो हम लोगों ने कहा, अगर ये घटनाएं नहीं हुई है, आपको पता नहीं है, तो आपको सस्पेंड क्यों किया गया है? तो वो बोली कि मेरे को लापरवाही के कारण सस्पेंड किया गया है। तो लापरवाही किस चीज़ की लापरवाही है जो आप बात कर रहे हैं? तो वो मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैं उस लड़की को ऐसा कुछ था नहीं, ये वो अपना घुमाते रही वो। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी पूछा कि आप रहते हो कि नहीं यहाँ? तो वो बोली कि मैं रात में चली जाती हूँ। वो रहती नहीं है, वहाँ तीन रसोइया हैं, उनके भरोसा वो पूरे 79 हमारी बच्चियों को छोड़ के चली जाती हैं। बच्चियाँ क्या कर रही क्या नहीं, पर गांव वाले सरपंच और उनके साथी लोग आए भी थे, उन लोगों ने भी बताया कि रात में बच्चे बाहर घूमते रहते हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि वो हॉस्टल ही ऐसी कि वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है, यहाँ तक कि वहाँ शौचालय में भी दरवाज़ा नहीं है। ये स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। सिर्फ वहाँ दो रूम हैं, दो रूम में, एक रूम में 39 बच्चे ऐसे करके उन लोग रह रहे हैं। तो इस तरह की लापरवाही, ये शासन की लापरवाही। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद पहले अधिकारी और कोई यहाँ सीनियर अधिकारी जाते वहाँ देखते, तो हो सकता है वहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वाल भी हो जाती। और कई जो गलतियाँ हो रही है, रजिस्टर मेंटेन नहीं है, वो रजिस्टर मेंटेन हो जाता क्योंकि डर होती, तो इसलिए वो रजिस्टर मेंटेन करते। अधीक्षिका ने बोला कि पुराना रजिस्टर गुम हो गया है, दो दिन में रजिस्टर बना के तैयारी कर रहे हैं, 2 साल का रिकॉर्ड को 2 दिन में तैयार किया उन लोगों ने। तो इस तरह की लापरवाही हुई है। और कहीं बहुत से ऐसे चीज़ है उसको छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। वहाँ सब 2 दिन पहले तो पूरे समाज तैयार थे कि हम जांच कराएंगे, हमारी बच्ची के साथ, समाज की बच्ची के साथ ऐसा गलत हुआ है। और आज जब हम सब टीम गए तो बिल्कुल नकार दिए कि हम लोग कुछ नहीं जानते, कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई जांच नहीं करा रहा। अगर कुछ हुआ नहीं है तो लोगों को चाहिए जिसने फैलाया है उसके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि ये आदिवासी छात्रा के मामला है, आदिवासी समाज का मामला है। अगर इस तरह आदिवासियों के खिलाफ। देवास जिले के सतवास में भी मुस्लिम समाजजनों और मराठा समाज द्वारा मुहर्रम का पवित्र पर्व मनाया गया। बताया जाता है कि इमाम हुसैन की याद में 3 दिवसीय ताजिए निकालकर मुहर्रम के पर्व का आयोजन किया जाता है। सतवास की खास बात यह है कि भारत में कहीं भी हाथी नहीं बनता है। सतवास के मराठा समाज के लोगों के द्वारा हाथी का निर्माण किया जाता है जो ताजिया के साथ नाचते हुए निकलता है। मराठा समाज की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के पहले माह मुहर्रम का अधिक महत्व है। मुस्लिम समुदाय इसे गम रूप के तौर पर मनाता है। इसे पूरे महीने को खास माना जाता है, लेकिन महीने का 10वां दिन यानी आज विशेष होता है। इस दिन को मुस्लिम समुदाय मोहम्मद साहब के नाती हसन और हुसैन की शहादत के तौर पर मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर मातम की 10 तारीख को इमामबाड़ा से मुहर्रम को उठाकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर बाजार चौक पर दर्शन और पूजा के लिए रखा जाता है, जहाँ याद हुसैनी अखाड़े के उस्तादों और कलाकारों के द्वारा कई हैरत अंगेज करतब दिखाए जाते हैं। अंतिम विदाई के साथ सभी ताजे को गुड़िया नदी पर ठंडे किए। मुस्लिम समाजजनों ने बताया कि मुहर्रम के पवित्र पर्व इमाम हुसैन शहादत की याद में ताजिए बनाकर 3 दिवसीय मुहर्रम के पर्व को मनाया जाता है।
शिवपुरी नगर पालिका की टीम ने एक व्यापारी के गोदाम से 8 क्विंटल से अधिक अमानक पॉलीथीन को बरामद कर जब्ती की कार्रवाई की है। बता दें कि रोक के बाद भी शहर में पॉलीथीन के उपयोग को ऐसे व्यापारियों के जरिए लाया जा रहा है जो चोरी छुपे दुकानों पर पॉलीथीन की सप्लाई करते हैं। पॉलीथीन पर रोक लगाने के लिए कोई सख्त नियम भी नहीं है। जिन व्यापारियों के गोदामों से अब तक अमानक पॉलीथीन जब्त की गई है उन व्यापारियों को महज चलानी कार्रवाई कर छोड़ दिया गया है। सर, अभी आपने अमानक पन्नी पर कुछ कार्रवाई की है, क्या कुछ कार्रवाई की है और कितनी पन्नी जब्त की है? जैसा कि हमें कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ कि यहाँ पर एक गोदाम में दुकान में अमानक पॉलीथीन को स्टोर करके रखा गया था जो कि बजंग ट्रेडर्स की है। तो जब सूत्रों से ज्ञात हुआ तो पूरी नगर पालिका की टीम यहाँ पर उपस्थित हुई और गोदाम को खुलवाने पर पाया गया कि उसमें 8 क्विंटल 12 किलो और 58 ग्राम पॉलीथीन पाई गई, जिसको हमने जब्त किया है, पंचनामा बना लिया गया है। पंचनामे के बाद में संबंधित जो उसके नियमानुसार कार्रवाई हुई वो हम कर रहे हैं। पूर्व में भी कुछ पॉलीथीन पकड़ी गई तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? जैसा कि हमारा ये अभियान काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जो लोग पॉलीथीन को बेच रहे हैं अमानक जो शासन के अनुसार पॉलीथीन है, पहले भी हमने लगभग 4 क्विंटल पॉलीथीन जब्त की और जो छोटे छोटे भी व्यापारी बेचते रहते हैं कभी 50 किलो या 40 किलो इस प्रकार की भी लगभग 5 क्विंटल पॉलीथीन हमने जब्त की है और उन पर कार्रवाई की। उन पर क्या कार्रवाई हुई है? उन पर चालानी कार्रवाई की जाती है, जो पॉलीथीन जब्त होती है उसको दृष्टिकोण। स्मैक तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवपुरी जिले की करेरा थाना पुलिस ने करेरा क्षेत्र के मोहर नदी के पास से 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 115 ग्राम स्मैक और एक बाइक जब्त की है। वही स्मैक की कीमत लगभग 23 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमर राठौर ने बताया कि करेरा थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। इस सूचना पुलिस ने दोनों स्मैक तस्करों को घेराबंदी कर पकड़ लिया, जिनके कब्जे से 115 ग्राम स्मैक और तोल कांटा सहित एक बाइक को जब्त किया गया है। बता दें कि पकड़े गए दोनों आरोपी रविंद्र रावत और जय सिंह रावत हैं, जिनके खिलाफ करेरा थाने में पहले ही 6 अपराध दर्ज हैं। थाना करेरा को स्मैक के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। करेरा थाना की टीम ने 2 तस्करों को पकड़ा है, जिनसे 115 ग्राम स्मैक जब्त करी गई है। स्मैक का बाजार मूल्य लगभग 23 लाख रुपए है। ये तस्कर 12 से लेके आते थे स्मैक को और बाद में छोटे छोटे पार्ट्स में इसको यहाँ बेचने की इनकी योजना थी। जो तस्कर पकड़े गए हैं उनका नाम रविंद्र रावत और जय सिंह रावत है। दोनों ही रमगढ़ा थाना करेरा के रहने वाले हैं। इसमें रविंद्र रावत के खिलाफ 6 अपराध पंजीबद्ध हैं। बहुत बड़ी ये कार्रवाई है। कुछ दिन पहले ही करेरा पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक भी पकड़ी थी। तो अगर देखें तो पिछले 15 दिन में लगभग 165 ग्राम स्मैक करेरा टीम द्वारा पकड़ी जा चुकी है। चूंकि छोटी छोटी स्मैक की कार्रवाई होती रहती है और तब तक हम पूरा सफल नहीं हो सकते जब तक हम सप्लायर्स पर कार्रवाई नहीं करें। तो ये कार्रवाई एक सप्लायर के विरुद्ध थी और हमें विश्वसनीय सूचना मिले इसको दृष्टिगत रखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोग जारी कर रहे हैं 7049123434। प्रेस नोट में भी ये लिखा है, किसी भी व्यक्ति के पास में अवैध ड्रग्स के खरीदने की, बेचने की या सेवन करने की कोई भी सूचना हो तो इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप से या एसएमएस से वो सूचना दे सकते हैं। ये नंबर डायरेक्टली मेरे ऑफिस में मेरी विश्वसनीय टीम की निगरानी में रहेगा। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा और यदि सूचना सही पाई जाती है और हमको सीजर करने में सफल हो जाते हैं तो उसमें 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी सूचना देने वाले को आवश्यक रूप से दिया जाएगा। लगभग 23 लाख रुपए है। दूसरा मामला भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र के अकोड़ा का है, जहां परिजनों ने बताया कि बजरंग ईट भट्टा का मालिक डब्लू शर्मा 14 तारीख को अतुल गोयल को अयोध्या की कहकर घर से ले गया था, मगर अतुल का शव झांसी जिले के मछली घाट पर मिला। आखिर अतुल झांसी कैसे पहुंचा? परिजनों ने शक के आधार पर ईट भट्टा संचालन पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ईट भट्टा संचालन झांसी जिले में मुनीम अतुल गोयल को भट्टा
यहां पर काम के लिए लेबर लेने गया था, जहां मछली घाट पर अतुल नदी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अकोड़ा चौराहे पर मृतक का शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर DSP दीपक तोमर एवं उमरी थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह तोमर दलबल के साथ मौजूद रहे। वहीं परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ FIR नहीं होती और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान नहीं की जाती है, तब तक जाम नहीं खोला जाएगा। विजय शर्मा हमारे भाई को अयोध्या ले गए थे, अयोध्या से घुमा के ले गए, अयोध्या के नाम पे ले गए थे, लेकिन इनको मऊ रानीपुर में इनका मर्डर कर दिया गया। कैसे पता लगा मर्डर? इनने फोन किया है कि एक बार इनने कहा था कि हम मारेंगे, ये भागा आए थे, दोबारा इनको ले गए हैं, दारू पिलाई है और पानी में इनको मार दिया गया है नदी में। कैसे जानकारी लगी? क्योंकि इन लोगों ने जानकारी दी है कि तुम्हारा भाई पानी में मर गया है, और इन लोगों को वहाँ पूछा है वहाँ के पत्थरों से, तो उसने ये बताया है इनकी आपस में लड़ाई हुई है, इनको फिर उस पानी में फेंक दिया गया मार के। जब ये घर से ले गए तो इसकी आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना इसलिए नहीं दी क्योंकि ये बोल रहे थे हम आपके भाई को परसों तक छोड़ देंगे, उसके बाद इनने छोड़ा नहीं। उसके बाद इनकी रिपोर्ट ये आई कि वो मर चुका है। मृतक का नाम क्या? मृतक का नाम अतुल कुमार गोयल है। आपका क्या नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार गोयल। आपने रोड पर सब रखा है, क्या मांगे हैं आप, किस बात को लेकर? हमारी मांगे ये है कि इसकी बीवी है, उसके 8 महीने का पेट में बच्चा है और एक लड़की है, उसका क्या भरण पोषण होगा, कम से कम 50 लाख की मांग है। न्याय चाहिए? हाँ, और न्याय चाहिए। और इस विजय शर्मा पे कार्रवाई होनी चाहिए और इसका PM होना चाहिए दोबारा से। संबंधित अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? आपको क्या आश्वासन दिया, क्या कार्रवाई करेंगे? अभी कुछ कार्रवाई। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप बने रहे ANB News के साथ। नमस्कार।